तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से हल करेंगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, वन है। पहला आपका क्वेश्चन है, देखो देखो ध्यान से एकदम। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर के लंबी डोर पर चढ़ रहा है। हैंगर लंबाई हैंगर डोरा है ना, डोरा पर माने 20 मीटर के लंबी इस तरीके से धागा है, इस तरीके से इसी पर चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे खंभा के शिखर से बांधा है। जो नहीं तार है एगो भूमि पर सीधा माने खंभा है उसी से बांध दिया गया। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, कोण कितना बनाता है 30 डिग्री हो, तो खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। हाँ, सर्कस के कलाकार 20 मीटर लंबा, तो देखो कहीं चित्र बनाओगे। ये जमीन है, ये क्या है जमीन है, ये क्या है खंबा है। ए देखो इधर सब लोग, खंबा जमीन, हाई का है सर्कस के धागा है दो, कोण कितना डिग्री का बन रहा है, आय के लंबाई कितना दिया है 20, एक लंबाई दिया है, ए लिख लो बी लिख लो सी लिख लो, इसकी ऊंचाई पूछ रहा था यह मान, कह रहा है खंभा की ऊंचाई कितनी होगी वही तो आपको बताना है। तो बताइए मुझे कितना आसान क्वेश्चन है। पहले आप तो एसी को डोरी माने है ना, और इसकी लंबाई दे दिया 20 मीटर है, यहाँ पर देखो, और खंभा क्या है बीसी है, खंभा जो है बीसी है ना आपके पास, हाँ इसी का मान आपको निकालना है। अब इसी को आपने यच माना है तो यच है, इसी का मान आपको निकालना। तो बताइए अगर आप त्रिभुज का ले लें, ए बी सी ले लें ना, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो टेन कितना लेंगे 30, टेन 30, टेन 30 ले लें तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना आ जाएगा यच, और आधार तीन मतलब आई लेंगे ना, तो कितना बोलता रहा, तो लंब बटा कौन यच बटा 20, और 37 का मान याद है ना। देखो क्यों साइन ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कर्ण की बात आ गई है, आई कर्ण होता ही है ना, 90 का कोण है, तो 37 का मान कितना आ जाएगा 1/2, आई एच बटा 20, तीसरा जी गुणा कर दो कितना आ जाएगा, है क्या बोला जाएगा 2h = 20, 3h = 20 बटा 2 काटा करते कितना आ गया 10 मीटर। अच्छा एक चीज़ और देख लो, हमेशा ना इसका मान छोटा होगा, ये वाला इसका मान हमेशा क्या होगा छोटा, क्योंकि ये सबसे बड़ा जब 20 है तो वही 10 आ गया, तो बना लोगे नोट कर लो इसको, समझ में आया बताओ क्लियर।